मेरे ध्यान में कुछ बातें थीं, इस तरह की तो नहीं थी जो मैं अभी देख रहा हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल मैं रेहान भाई का बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और आज बहुत सारे दोस्तों से मिलने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया। दैट्स नॉट ट्रू, आई एम अ पर्सन हु इज वेरी शाई अवे फ्रॉम ऑल दिस इंटरेक्शन, एंड आई एम द ओनली पर्सन हु वाज वेरी शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग इनविटेशन ऑफ रेहान भाई। सो ये आई बिलीव दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी डिस्कस्ड। अच्छा अब्दुल्ला भाई जो है, उनकी ख्वाहिश थी कि वो बच्चों के साथ कुछ मोटिवेशन टॉक दे, राइट? तो थोड़ी सी आज हम सबको मोटिवेशन टॉक दे दें। मैंने आपको इसीलिए मुकद्दर किया था। तो जिंदगी अनप्लान्ड है, रोड पे एक्सीडेंट प्लान के साथ थोड़ी होता है, प्लान तो ऐसी बात है। मेरे जहन में कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ ये सोचना चाह रहा था कि मुझ समेत हम सब लोग जो हैं वो सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे ख्याल में सक्सेस क्या चीज़ है, सक्सेसफुल होने का क्या मकसद है। तो इस हवाले से मैं, मेरे जहन में था कि मैं आप जैसे दोस्तों के दरमियान बैठूं और ये सवाल पूछूं कि सक्सेस क्या मतलब है, क्या चीज़ है सक्सेस, यानी कामयाब होना, कामयाबी क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ है भाई कामयाबी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमारे पड़ोसी जो है ना भूखा ना सोए, हमारे दोस्त फ्रेंड जो है ना परेशानी में ना हो। मेरी सक्सेस ये है कि मैं अपने अब खुद खुश हूँ ना, तो मेरी सक्सेस क्या है कि अब दूसरों को खुशी दे सकूँ, ये बस इसके लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही है। यानी दिल की तसल्ली और तशफी जो है, दिल की तसल्ली और तशफी जो है। तो फिर कारोबार में सक्सेस क्या हुई, कारोबार में और जिंदगी में सक्सेस क्या हुई? सर मैं तकलीफ में उसकी मदद करूँ, वो बीमार है, वो कुछ भी, उसकी हेल्प कर सके, मतलब किसी तरीके से, ये सक्सेस हो जाए। ठीक है, तब से बेस्ट काम कर दिया आप उसको, बिजनेस वाइज कोई हेल्प कर दो, जरूरी नहीं उसके साथ हमने काम करना, कुछ भी, तो सक्सेस है। दूसरा भाई, और भाई मेरी नज़र में सक्सेस ये है कि आप जो गोल अपने लिए मुतय्यन करें आप वो पालें, चाहे कारोबारी हो चाहे ज़िंदगी हो। मेरे हिसाब से ये सक्सेस है, और सक्सेसफुल उस वक्त आदमी फील करता है जब वो ये गोल पाले। अच्छा ये सवाल मैं रिपीट करता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट आर द थ्री थिंग्स विच, वो क्या तीन चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, तीन चीज़ें क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें आप चाहते हैं वो तीन ज़िंदगी में आपको मिल जाए और आप खुश हो जाएंगे, यानी आपके ख्याल में आपकी ज़िंदगी का एक शायद कोई ना कोई गोल पूरा हो जाए, वो अगर तीन चीज़ें अगर आप अली से पूछना। अली इधर बैठा। पहली चीज़ सुकून चाहता हूँ, दूसरा चीज़ पैसा ज़रूरी है क्योंकि, और तीसरा चीज़ चाहता हूँ कि वक्त, टाइम चाहता हूँ, टाइम, वक्त, टाइम। किसके लिए? बस नहीं, जवाब मेरा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी तीन चीज़ है जो आपके ख्याल में आप ज़िंदगी में अगर हासिल करें या उसकी तरफ आप कोशिश करें तो आप अपने आप को सक्सेसफुल समझेंगे या आप समझेंगे ये कामयाबी है। मेरे लिए कौन सी तीन चीज़ें? मैं मेरी दुआ है, अल्लाह ताला सर कोशिश है और अभी भी कर रहा हूँ कि मैं ऐसी कोई कंपनी इस्टेब्लिश करूँगी मैक्सिमम लोगों की वेलफेयर कर सकूँ। जॉब जैसे वेलफेयर इज नॉट वेलफेयर, मैंने खाने के वो नहीं लगाने, बट ये कि जॉब जैसे और अच्छी लाइफ स्टाइल उनको दे सकूँ। मैं खुद एक कंपनी में जॉब करता था, उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया होता, आई फेल्ट वेरी गुड, वही मैं कोशिश है इंशाल्लाह ज़्यादा तौफीक दें। दूसरा जिस तरह से जिसकी मदद कर सकूँ वो करूँ। दुनिया घूमने का बहुत शौक है, जाऊँगा इंशाल्लाह। अक्सर लोगों के जहन में जो बात होती है वो ये होती है कि फर्स्ट थिंग इज़ डेफिनेटली इज़ फाइनेंशियल सक्सेस, यानी इंसान कुछ ना कुछ अपनी जेब में पैसे कमाए। दूसरी चीज़ हेल्थ है, और तीसरी चीज़ में भी लोग पहचाने फेम। तीसरी चीज़ जो है वो इंसान को फेम मिल जाए, अगर ये तीनों चीज़ें इंसान को किसी तरीके से मिल जाए तो इंसान आपकी तरह मदद कर सकता है, क्योंकि जब आपकी जेब में कुछ होगा या कुछ आप कर सकेंगे तो फिर आप दूसरे की मदद कर सकेंगे।
मसला ये है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि इंसान डेस्परेटनेसनेस में जब इंसान किसी चीज़ के लिए मजबूर हो जाए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सेहत हो या कोई और चीज़ है, जहाँ पे इंसान डेस्परेट होता है वहाँ पे इंसान की क्रिएटिविटी नहीं मिलती, ख़त्म हो जाती है. इंसान सोच नहीं सकता, इंसान फिर उस बैल की तरह होता है, उस मजदूर की तरह होता है जिसका काम मेहनत ही करना होता है. उसका काम ये नहीं होता, फिर वो सोच नहीं सकता. अगर आप अपनी रोटी के लिए है और आपको सर उसमें है तो, लेकिन जब इंसान एक बेसिक नीड्स से निकल आता है तो फिर उसके बाद इंसान उस तरफ जा सकता है जहाँ पे वो कोशिश करे. मेरा जो बात थी वो ये थी कि हाउ वी मेजर सक्सेस, हम सक्सेस क्या समझते हैं. तो एक तो बात ये है कि इंसान की सेहतमंद हो तो इंसान कुछ कर सकेगा. दूसरी बात ये है थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो अपने लिए. और तीसरी बात ये कि इंसान की कुछ ना कुछ उसकी इज्जत भी हो, फेम भी हो, लोग जाने पहचाने उसको. तो इसमें बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए आपको कोई गोल होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, कोई चीज़ आप टास्क लिखें कहीं पे, कोई आप सेट करें जिस जगह पे आपको लिखेंगे जी मैंने ये लिखा, मैंने करा. मैं जैसे कंपनीज अपना विजन स्टेटमेंट बनाती है, मिशन स्टेटमेंट बनाती है. मैं अभी तक नहीं समझ पाया इस बात को कि कोई आदमी जिसको आप तनख्वाह दें तो तनख्वाह देने के बाद वो आपका मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट बना सकता है, ये नहीं हो सकता. मेरे हिसाब से नहीं हो सकता. हर इंसान अपने लिए खुद ड्रीम करता है उस चीज़ की जो वो देखता है. ड्रीम का मतलब ये कि इंसान रात को सोते भी नहीं दिन में ये सोचे कि मैंने करना क्या है. मेरे हिसाब से ड्रीम का मतलब वो दुकान है जो शायद अभी तक दुनिया में तो वजूद में नहीं आई, शायद किसी बिल्डिंग में ना बनी हो, लेकिन वहाँ पे खड़े होकर आप कोई चीज़ बेच रहे हो अपने जहन के अंदर. शायद वो फैक्ट्री है जहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप उसका कोई खदोखाल नहीं है, उसकी कोई दीवारें नहीं है, ना उसके अंदर कोई मशीन लगी हुई है, ना कोई प्लांट है, ना कोई लेबर काम कर रही है, लेकिन आपके जहन के अंदर वो चीज़ एक खाका मौजूद हो. मेरे हिसाब से ड्रीम वो है जो लिखने की भी नहीं ख्याल ज़रूरत. मेरा नहीं ख्याल लिखने की ज़रूरत है इंसान, किसी शख्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है. वो चीज़ वो है जो आपके सुबह शाम लाशूर में आपको बताती रहती है कि हाँ आप ये कर सकते हैं. एक बात जो बहुत ज़रूरी है, इंसान वो वाहिद माशरती जानवर है जो अपने वजूद को खुद महदूद कर लेता है. आप दरख्त को ले लें, आप किसी जानवर को ले लें, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाता है. कोई दरख्त अगर उसकी उम्र 50 साल 100 साल है तो वो जितनी उसकी उम्र है वो उगता ही रहता है, वो रुकता तो नहीं है. तो हम बहैसियत इंसान जो है अपने वजूद को अपनी सोच से लिमिट कर लेते हैं, अपने आप को लिमिट कर लेते हैं. तो ये इंसान का सबसे बड़ा वो है. और उसमें एक दो बातें ऐसे भी हैं. एक बात तो होती है कि इंसान इस वक्त एक बात तो होती है जो इंसान को माशरे से उसको तोड़ती है. यानी आप किसी काम को करना शुरू करते हैं तो आपको ये रोकती है लिमिट्स जो आपके माशरे के अंदर होती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे एक आदमी, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, ही ऑलवेज सी ओवर स्टडीज. जिंदगी में ओवर स्टडीज को अच्छी लगती है उसको, लेकिन बैक ऑफ द माइंड नहीं खरीद सकते. एक चीज़ तो उसको लिमिट लगती है, एक चीज़ वो लिमिट करती है इंसान को कि वो जो इंसान छोटा होता है और छोटे से जब बड़ा होने लगता है तो जब उसके साथ जो माहौल होता है और उसको उन बातों से रोका जाता है कि यार ये आप नहीं करें या आप नहीं कर सकते. या फिर इसकी मिसाल इस तरीके से, एक बच्चा एक खिलौना लेने जाता है और वो खिलौना उसके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन माँ बाप जो उसको रोक देते हैं उसके लिए जुमला बहुत होता है ये बहुत महंगी है, आप नहीं खरीद सकते, ये आपके लिए नहीं है. तो इंसान वहाँ पर रुक जाता है और वो सारी ज़िंदगी उसको कैरी करता है
कि मैं ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, या मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। लेकिन दरअसल शायद उसके अंदर वो काबिलियत मौजूद होती है कि अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो उसको वो हासिल कर सकता है। इंसान को वही चीज़ मिलती है जो वो उसको देखता है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया ड्रीम का, देखें मैं मिसाल देता हूँ आपको, जो आप अंदर से देखना चाहते हैं आपको मिलेगा, ये मैं आपको पक्का बता दूँ। कैसे? अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं अंदर से तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपको बुरा देखना चाहते हैं आपको बुरा मिलेगा। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव भी इसी तरीके से हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ मैं, आपको बताइए कि आपसे पूछता हूँ, आप ये बताइए कि आपको, आपके पास बाइक है? जी हाँ। कौन सी बाइक है? यूनिक। आपको अच्छी कौन सी लगती है बाइक? सुपर पावर। होंडा अच्छी लगती है? सिटी 70 अच्छी लगती है? अभी दिल चाहता ब्रांड न्यू सिटी 70 ले। ली है, यूज भी की और उसके बाद 125 अच्छी लगती है? क्या बात। ओके, तो आप किसी दिन ये सोचेंगे यार मैं 125 खरीदूंगा, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास पैसे भी हो जाएंगे, आप भी सोचते हैं चलो नेक्स्ट मंथ में खरीदता हूँ, चलो मार्च शुरू हो गया अप्रैल में खरीदूंगा। आप सुबह निकलेंगे अपने काम से, आपने खरीदी नहीं है अभी। जब आप अपने घर वापस आएंगे काम से करके, तो आपसे कोई पूछे यार आपने 125 कितनी देखी, तो आप शायद जवाब दें यार मैंने 5 देखी यार, आज मैंने 5 125 देखी, मैंने आज नहीं 5 सिविक देखी, मैंने 5 नहीं करोला देखी। और ये पूछे यार सुजुकी कितनी देखी, नहीं पता नहीं कि नहीं देखी, सही है, कौन सा रंग की देखी, शायद ये भी बता दे यार मैंने ब्लू कलर की सिविक देखी है, रेड कलर की मैंने करोला देखी, यूनिक कलर था। बात यह वो चीज़ है जो आप अंदर से सीख कर रहे होते हैं, तो आप अंदर से सीख कर रहे हैं, जब आप अंदर से कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो आपको बाहर नजर आ रही होती है। इसी तरह अच्छाई भी इसी तरह है और बुराई भी तरह है। सक्सेस में जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये है कि जब आप उसको अपने जहन में विजुलाइज करते हैं या कोई चीज़ आप देखना शुरू हो जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद, देखिए उसमें ये है कि वॉट यू परसीव इज वॉट यू गेट। जब आप चीज़ देखेंगे, जो आप सोचेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी, आप अच्छाई सोचेंगे आपको अच्छाई मिलेगी। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें मैं ऐड कर दूँ इसमें एक दो जुमले ज़्यादा। जी जी, आई एम सॉरी, नहीं आपका ना, आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। आई एम सॉरी अब्दुल्ला साहब। ओके, तो सर थर्ड थिंग बताएं, मैथिंग योरसेल्फ इसी के टॉपिक से। जी, इन मैथिंग योरसेल्फ। हां मैं उसमें याद है, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें तो कुछ नहीं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की बात ही है। शुक्रिया। इन्वेस्टिंग का सिर्फ मैं उसमें आ रहा हूँ। देखिए इसमें इसके आगे बात यह है, अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद मैं गलत हूँ इस बात में। हम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम जो है ना वो विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, ऐसा है ना, फिर हम उनको फॉलो करते हैं। मैंने एक साहब से पूछा कि यार क्या विजन बनाना चाहिए या मिशन बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी कंपनी में तो कोई ये पेड आदमी होता है जो करता है, तो वो ये ना कि आप किसी कंपनी में चले जाएँ तो प्लानिंग की फाइल आखिर में मिलती है, सबसे आखिर में। मैं एक कंपनी में ऑडिट काम कर रहा था, प्लानिंग की फाइल आखिर में मिलती, ऑडिट ख़त्म होने के बाद प्लानिंग की फाइल मिलती थी। उनका नज़रिया ये है, उन्होंने मुझे ये बात समझाई, उन्होंने कहा सक्सेस इज नॉट फॉलोइंग द गोल्स, सक्सेस इज नॉट फॉलोइंग द गोल्स, सक्सेस इज फॉलोइंग द सिस्टम। I don't understand, मैं वो बात नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं सोचता हूँ शायद है। उन्होंने कहा डोंट डिजाइन गोल्स, डिजाइन सिस्टम्स, सक्सेस इज फॉलोइंग सिस्टम। इफ यू डिजाइन अ सिस्टम इन योर कंपनी, अगर आप अपनी जगह पर अपने बिजनेस में सिस्टम डिजाइन करते हैं, वो बहुत छोटे से छोटा हो या बहुत बड़े से बड़ा हो, तो अगर आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं रेगुलरसली तो आपको सक्सेस मिलेगी। एक दिन आप सिस्टम से चले भी जाएंगे तो सिस्टम चलता रहेगा और आप आगे, आपकी कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। शायद खुदा का निज़ाम भी है कि उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमें हमसे कहता है कि सुबह आप उठें नमाज़ पढ़ें, फिर दोपहर में फिर नमाज़ पढ़ें, एक सिस्टम को फॉलो करते रहें। अगर आप उस सिस्टम फॉलो करते रहेंगे तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो मेरा जो इख्तलाफी नोट कह लेंगे, जो जहन मेरे जहन में बात थी, शायद मेरे जहन में बात थी कि सक्सेस माइट नॉट बी सेटिंग गोल्स एंड विजन्स, गोल्स इज नो प्रॉब्लम, बट
having a dream and making a system. Having a dream. And आपने बात का invest देखिए, बात यह है कि इंसान की जो बॉडी है ना, वो चीज है. हर इंसान अपने घर में रहता है, मैं भी अपने घर में रहता हूँ, और इंसान की जो जिस्म है, इंसान का जो जहन है. आपके सवाल का जवाब अपने साथ देखे बात है. My question is, in business, how can you make profit? How can you make profit? Answer is, you can make profit. Financially, there are two answers. A, either you decrease your cost. B, increase your sales. In financial terms, there are two ways. Either you decrease your cost. B, increase your sales. But psychologically, you can increase your profits by making yourself valuable, by adding value in your product. अपनी product में, अपनी ज़ात के अंदर आप value डालेंगे तो आप successful या फिर शायद कामयाब या फिर profitable हो जाएंगे. उसके अंदर value कितनी है, आपके product के अंदर value कितनी है, आपके अंदर कितनी value है, अगर आप उस value को increase करते हैं तो definitely वो प्रोडक्ट जो है ये आपकी ज़ात बेहतर हो जाएगी. जहाँ तक अपनी ज़ात का ताल्लुक है तो इंसान का बॉडी वो घर है जिसमें इंसान वो रहता है. यानी अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं या फिर आप अपने अंदर जो काबिलियत है उसको बढ़ाते हैं तो आपका उससे फ़ायदा ये होगा कि वो एक जुमला मैंने बचपन में शायद अभी सुना है, उसका कहने का मकसद ये है कि सक्सेस इज नॉट परसीव्ड. सक्सेस वो चीज़ नहीं जो जिसके पीछे आप भागते हैं. सक्सेस इज समथिंग विच यू अट्रैक्ट. हाउ डू यू अट्रैक्ट, इस तरीके से आप उसको अपनी तरफ खींचते हैं. दैट इज बाई बिकमिंग मोर वैल्यूएबल. बाई मोर वैल्यूएबल. देखिए ये फाइनेंस में भी ये केस बड़े आराम से समझ में आ जाता है किस तरीके से. इफ यू बिकम बिग, ओके, इफ यू हैव, इफ यू, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं, इफ यू आर रनिंग अ फैक्ट्री, ओके, एंड इफ यू इंक्रीज योर सेल, इफ यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, सी व्हाट हैपन इज दैट कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो अपनी जगह पर मौजूद होती है और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है जितनी ज्यादा आप बढ़ाते हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है. चौकीदार का खर्चा, रेंट का खर्चा, मशीन का खर्चा, इलेक्ट्रिक का खर्चा, वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है, वो फिक्स कॉस्ट है. लेकिन पैकिंग का खर्चा, पैकिंग का आदमी का खर्चा, वो जो आदमी मिसाल के तौर पे 40 डब्बे पैक कर रहा था आज वो 60 डब्बे पैक कर रहा है, वो कॉस्ट आपकी घिर जाती है. इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मास प्रोडक्शन होती है उतनी कम कॉस्ट आती है. तो इसी तरीके से मतलब ये है कि आपने उसको वैल्यूबल बना लिया, आपने उस अपने अंदर आपने उसको चीज़ में वैल्यू डाली, तो जितना वैल्यूबल बनता रहेगी चीज़ उतना ज़्यादा जो है आप उसको आप सक्सेसफुल होंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे प्रोडक्ट के साथ भी. इसी तरह हट के मैं एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन है, जिसी रिलेटेड थोड़ा सा.